एक हमारे साथ हिमालयन है, एक हमारे साथ अवेंजर है और एक हमारे साथ पल्सर वन। इनके साथ सीन हो गया, अवेंजर स्टार्ट नहीं हो रही है। अब हो गई फाइनली स्टार्ट। आप सामने देख सकते हो कितनी ज्यादा बर्फ और कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। रोड देखो कितना कितना सा रोड है और यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ। गाइस फाइनली हम कुछ इस तरीके की जगह पे और यहाँ के रिएक्शन देखना आप यार। ये देखो ये ब्रिज, हम छोटे छोटे थे तो हम इसको बोलते थे टक टक पुल। तो आप भी आवाज सुनना आज के कैसी आवाज आती है ऊपर से जान। हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ गुड डे एंड आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज संडे है, संडे राइड पे निकल रहे हैं। आज मैं हमारे साथ जो जो बाइक्स हैं और बंदे हैं वो उनसे मिलाता हूँ। बिल्कुल न्यू है ये बंदे, मेरे से पहले कभी नहीं गए। तो आज दिखाता हूँ आपको सबसे और मिलाते हैं एक बारी बारी करके। मिलाते हैं इनसे बिट्टू भैया, ये हमारे साथ जा रहे हैं राइड पे। ये एवेंजर लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद संदेश भैया, ये भी इनके साथ में एवेंजर लेके आए हैं। ये अपना भाई ही है, इनसे क्या मिलाना है, इनको जानते ही आप। और एक हमारे साथ हिमालयन है, एक हमारे साथ अवेंजर है और एक हमारे साथ पल्सर 150 है। सो आज की राइड में बहुत मजा आने वाला है, एंड तक वीडियो देखना। इनके साथ सीन हो गया, अवेंजर स्टार्ट नहीं हो रही है। थोड़ा एक्सलेट भी कर इसको, रुक एक मिनट रुक रुक जा एक मिनट, हम इसको ट्राई करते हैं। गियर में स्टार्ट करते हैं इसको, उतर धक्का दे। सो गाइस इसको हम गियर में स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, गियर में करते हैं इसको स्टार्ट अभी। अब हो गई फाइनली स्टार्ट, अब देखते हैं क्या होगा इसका। का कांड ये फिर से बंद होगी ये बाइक। एक्चुअली मुझे लगता है ये बाइक ठंडी होगी सनी, बाइक ठंडी है। धक्का दे थोड़ा एक बार तेज। एक बार सही धक्का दे सनी, स्टार्ट ही नहीं हो रही यार। थोड़ी देर इसको स्टार्ट रहने दे, स्टार्ट हुई नहीं बाइक। ट्रिप पे पहला पंगा हो गया कि, और सामने पहाड़ देखो यार कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आज हम जहाँ आपको लेके जा रहे हैं ना, वो भी बर्फ वाली जगह है, होनी चाहिए वहाँ पे बर्फ। ये बाकी गेड़ी चल रही है इस पे हिमालयन पे, बट इस बाइक ने धोखा दे दिया यार, क्या करें अब। चलो जैसे स्टार्ट होती है तो बताते हैं आपको। अरे देखते होती है स्टार्ट नहीं, एक्सीलेटर भी तो साथ में थोड़ा, फिर से धक्का देंगे। चलो छोड़ दो रेला भी दो, नहीं हो रही है इस बाइक के साथ। हो गया गाइस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, एक व्लॉग तो इसी पे जा रहा है सारा। फाइनली बाइक स्टार्ट हो चुकी है और अब चलेगी धमाकेदार तरीके से। फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से, तो बाइक स्टार्ट हो गई शुक्र। मेरे साथ जब भी मैं किसी राइड पे जाता हूँ ना, तो स्टार्टिंग मेरे साथ यही होता है कि जो बाइक है वो बंद हो जाती है। पिछली बार हमारे साथ हुआ था जब कटरा से 2-3 राइडर आए थे, दानू भाई भी था उसमें, तो उस टाइम में मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी जो थी ये एक्चुअली KTM जो थी वो बंद हो गई थी। वो रीज़न था यार पानी में, उसकी वजह से उसकी बैटरी थोड़ी ड्रेन सी हो गई थी थोड़ी देर के लिए। बट चलो फाइनली अब जो भी हुआ सही हुआ, अब निकल रहे हैं। अब हमने एक मिशन रखा है, उसको कंप्लीट करना है कि हमने 1:15 बजे तक ऐसी जगह पहुँचना जहाँ से हमने सामान वगैरह खरीदना था, तक हमने कहीं भी ब्रेक नहीं लेनी है। सो मज़ा आएगा गाइज, एक तो रोड बिल्कुल नया है और आज की राइड में मज़ा आना चाहिए, कोई भी हम गलती नहीं करेंगे, बस मज़ा आना चाहिए गाइज। यहाँ पे रोड देख रहे हो आप कितना कितना सा रोड है, ऑन नहीं करते यहाँ के लोग यार, बट हम करेंगे ज़रूर। सो एक मैंने कर्व दिखा लेता हूँ आपको, उसके बाद मैं वीडियो ऑफ करूँगा और फिर नेक्स्ट जगह मिलेंगे आपसे। ये कर्व देखो यार, यहाँ पे रोड भी नहीं और इतनी तेज़ आती है ना गाड़ियाँ, कर्व देख रहे हो नीचे खाई है। सो आगे के 2 राइडर्स हमारे वहाँ पहुँचे। सो अब मोड़ में हमें गाड़ी मिलनी है। तो ये देखो यार फिर से बाइक बंद हो गई है। सो गाइज यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ और कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है गाइज ये जगह। ये अभी पहले इतनी बर्फ नहीं थी यहाँ पे, ये अभी पड़ी है।
पहले भी थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी डाउन तक नहीं थी, बट अब यहाँ डाउन तक आ गई है। जगह मोहर है और मोहर से पीछे अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा वहाँ का, जब फर्स्ट स्नोफॉल हुई थी वहाँ पे मैं तब गया था। फिर रोड देखो कितना कितना सा रोड है, और यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, अभी आपको मेट्रोर दिखाएंगे जिसका एक्सीडेंट हुआ था रियासी अपडेट्स में। अगर आपने देखा हो, दिस इज़ द मेट्रोर, ये इसका गियर नहीं लगा और ये बैक आ गई थी, तो दो बंदों की डेथ हो गई थी। गाइस आज हम जहाँ जाने वाले हैं ना, बस आप दुआ करो कि वहाँ पर बर्फ़ हो, क्योंकि अभी 50-50 है कि बर्फ़ होगी या नहीं होगी। यहाँ पर देखो लैंडस्लाइड कितनी ज़्यादा हुई है, तो इन्हीं चीज़ों का यहाँ पे खतरा होता है, बाकी तो सब ठीक है। और इन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए, जब बारिश वगैरह होती तो यहाँ पे लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। संडे राइड ऑसम होने वाली है हमारी, सो आई होप कि आपको भी मज़ा आए। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोड सा आ गया, पैर भी बचाने हैं हमें पानी से, आराम से चलेंगे। और हमारे बाकी के राइडर्स पता नहीं आ रहे हैं, कहाँ पहुँचे कुछ पता नहीं है, हम तो ऊपर से जाएंगे। बट ये देखो कितना ज़्यादा स्लोप्स है, मतलब स्लोप एक साइड से स्लोप और एक साइड से चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। बताता हूँ कि हुआ क्या हमारे साथ। रात को हमारी कोई स्कीम नहीं थी आने की, बट मॉर्निंग में क्या हुआ कि मतलब कल तक बारिश थी बहुत ज़्यादा ना, तो मैंने एक व्लॉग बना दिया रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं और मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज थी, मुझे लगा यार मुझे इसको यूटिलाइज करना चाहिए, चलो वीडियो बना लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि चलो उनको पता लग जाएगा कि क्या है। पर मुझे लगता नहीं मैं इतने अच्छे समझा पाया, पर जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना किया। मैंने व्लॉग अपलोड पे लगा दिया था, व्लॉग अपलोड हो गया था और सो गया। तो गाइस उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ से भी एक लिंक रोड पड़ता है, ये देखो यहाँ से भी एक लिंक रोड पड़ता है और आगे से आ रही है इंडियन आर्मी की गाड़ियाँ, टैंक है ये, वाटर टैंक है शायद, है ना, और इनसे संभल के रहो। सो हम अपनी बात कर रहे थे, जय हिंद करते हैं इनको यार, जय हिंद किया हमने इनको, एंड आगे से भी इन्हें रिस्पांस, कभी भी आप इनको जय हिंद करोगे ना रिस्पांस आएगा। सो आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि कल तक हमारी कोई भी स्कीम नहीं थी, बट मैंने कहा ना कि अनप्लान ट्रिप सक्सेसफुल होती है, पता नहीं कितनी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, बट मेरे हिसाब से सक्सेसफुल होनी चाहिए, बिकॉज हम लाइक संडे राइड करते हैं, ओके एक ही दिन राइड करते हैं, बाकी दिन हम राइड नहीं करते। कुछ इस तरीके की जगह पे, और सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना यार, क्या लग रहे हैं, वाह यार, तरीके की जगह पे, एंड कर्व्स बड़े गंदे हैं यार यहाँ। जगह ना एक साइड बिल्कुल खाई है और एक साइड पहाड़ है। सो गाइस सामने देख रहे हो बर्फ, सामने देख रहे हो तुम बर्फ, तुम सामने बर्फ देखो, कोई बात नहीं आराम से। सो गाइस सामने बर्फ देख लो, बस हमें यहीं पे जाना है। सो गाइस फाइनली हम कुछ इस तरीके की जगह पे, और यहाँ के रिएक्शन देखना आप यार, क्या मजेदार रिएक्शन मिलने वाले। तो गाइस पुलिस का नाका था, बट हम रुके नहीं यहाँ। ये ब्रिज है जिसकी मैं बात कर रहा था, पहले पहले क्या होता था कि ये ब्रिज नहीं था तो इसके नीचे से जाना होता था, बट अब ये ब्रिज है, सो ब्रिज के ऊपर से जाते हैं। पहले हम यहाँ से जाते थे नीचे से ना, ये बात तब हम छोटे छोटे थे, मुझे याद है एक बार हमारी गाड़ी बहुत बुरी तरीके से फंस गई थी, मारुति थी तब हमारे पास, पानी अंदर तक, गाड़ी के अंदर तक आ गया था पानी। यहाँ पर ना सावधान रहना पड़ता है भाई। और सामने देखो, अब देखो सामने के नज़ारे गाइस, और हमें जहाँ जाना है ना वो टॉप ऑफ द हिल है, आज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है। फाइनली वो जगह आने वाली है, ये देखो ये ब्रिज, जब हम छोटे छोटे थे तो हम इसको बोलते थे टक टक पुल, तो आप भी आवाज़ सुनना आज के कैसी आवाज़ आती है इसके ऊपर से जाने पे, देख रहे हो टक 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 टक, पूरी साउंड आती है गाइस, पूरा फील आता है। मैं आपको एक बार यहाँ पे रुक के दिखाता हूँ, देख रहे हो जगह, देख रहे हो और कैसी जगह पे ये पुल बना हुआ है, और नीचे शायद खेलने के लिए कुछ थोड़ा बहुत है, और नीचे से पूरा नाड़ा जाता है, सामने बर्फ़ है। और अब हम चलते हैं अपने रास्ते को वापस, सामने बर्फ़ पड़ी हुई है, अभी अभी बिल्कुल फ्रेश स्नो पड़ी हुई है एक दो दिन पहले।